स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ पार्ट 8 एंड द लिंक ऑफ पार्ट 7 इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो 2.4 बहुत इजी क्वेश्चंस है। 2.4 के हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, उनको आपको सॉल्व करना है इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके। क्लियर? तो ध्यान से समझना है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ ले तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। फर्स्ट इज अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना कोई लड़की है, वो कोई नंबर सोचती है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, एक्स वाई जेड। तो हमने कहा, तो पहले लिख लेते हैं, स्टार्टिंग इजी रहेगी। लेट रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड मीन्स जो नंबर वो हमसे पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नंबर, लास्ट में नंबर पूछेंगे, इसलिए लेट रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो अमीना ने नंबर सोचा था वो क्या है, एक्स है मान लो। फिर वो क्या कहते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इस नंबर में से हम 5/2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ के साथ करते जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस किया, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट। फिर क्या करती है अमीना, शी मल्टीप्लाईज द रिजल्ट बाई 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आपका नंबर आया है वो क्या करती है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। कर दिया हमने मल्टीप्लाई, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। अब फिर से जो रिजल्ट मिला है इज 3 times, वो नंबर किसके इक्वल है, 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 times, मतलब 3x। अब हमें बताना क्या है, व्हाट इज द नंबर। तो देखो, एक एक लाइन हमने रीड की और बन गया, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा नंबर जो ये बन के आया है वो क्या हो जाएगा, 3 times द नंबर शी थॉट ऑफ। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है। पहले हम 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 8x, फिर माइनस साइन है, फिर 8 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/2। अरे बहुत ईजी जा रहा है ये तो, इज इक्वल्स टू 3x। अब नंबर फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या है, सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8x, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 5 20 आ चुका। वैल्यू x की निकालनी है, इसलिए x वाली टर्म्स भी हम लेफ्ट में ले आएंगे और ट्रांसपोज कर रहे हैं। बैरियर, ये इक्वल का बैरियर जब भी क्रॉस होता है तो हमें साइन चेंज करना होता है, तो माइनस ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं लेफ्ट में, 0। अब आप क्या करोगे, 8x x वाली टर्म्स ही तो माइनस कर सकते हैं हम, वो पास पास लिखे। अब 20 तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा। इधर इसका साइन माइनस था, तो वहाँ पर जाकर ये पॉजिटिव साइन का हो जाएगा। और अब हमें पता है ये लाइक टर्म्स हैं, 8x में से 3x जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, एक्स एज इट इज रहेगा और साथ में 5 = 20। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20 तो अपने ही यहीं पर है, ठीक है, तो 5 लेफ्ट से राइट में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 × 5, 5 × 4 = 20। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है। हैंस वट इज, हैंस द नंबर इज, जो नंबर पूछा था, हैंस द नंबर इज x = 4, ये आपका नंबर आ चुका। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से समझना है हमें। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। दो नंबर है आपके पास, एक नंबर क्या है, दूसरे का 5 times है, मीन्स 5 का मल्टीपल है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में हम 21 ऐड करेंगे, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स। तो पहले आपने कहा लेट वन नंबर बी एक्स, सपोज एक नंबर एक्स है तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, 5 times, देन और ऑब्वियसली हम पॉजिटिव नंबर लेट करें, देन सेकेंड नंबर अनदर को, या फिर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 5 times फर्स्ट नंबर, मीन्स 5x। ठीक है, और जब आप इनमें ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद 21, दोनों में जब आप 21 प्लस करोगे तो ये वाला नंबर कितना बन जाएगा, x + 21, और ये नंबर कितना बन जाएगा, 5x + 21। क्लियर? और अब उसने क्या कहा, 21 ऐड करने पर अब आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है दोनों में, ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर 5x वाला बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो उसने क्या कहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर, ये न्यू नंबर्स हो गए, ये क्या है हमारे, न्यू नंबर्स। तो न्यू नंबर्स में से एक नंबर क्या है, दूसरे का ट्वाइस है, तो मीन्स हमारे पास न्यू नंबर 5x + 21, ये किसका है, ये क्या है, ट्वाइस द अदर नंबर,
मीन्स ट्वाइस मीन्स 2 × x + 21। तो ये हमारी क्वेश्चन बन चुकी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करोगे? 5x + 21 एज इट इज, ये टू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज 2 × x 2x + 21 to the 42। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे होगा? x वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, सो इट विल बी 5x - 2x = 42। इक्वल का बैरियर क्रॉस करेगा तो 21 का साइन इधर जाकर माइनस साइन का हो जाएगा। सो 5 - 2 = 3x = 42 - 21। दिस इज अगेन 21। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 21 अपॉन 3। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। तो x की वैल्यू 7 आ गई। हमें तो नंबर्स बताने हैं, तो नंबर्स क्या थे, एक x और एक 5x। हेंस नंबर्स आर x 5x means 7 and 7 5 = 35। ये हमारे नंबर्स हो चुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।